गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर पेज नंबर 62। इन लास्ट वीडियोज आई टॉट पेज नंबर 60, 61। व्हाट द शॉपकीपर शोड सो वाज टू स्मॉल। व्हेन रामा वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया था सुई लाने के लिए, एक नीडल लाने के लिए। तो उसको एक दुकानदार ने उसको, व्हाट द शॉपकीपर शोड वाज टू स्मॉल, जिसने जो दुकानदार ने उसको नीडल दिखाया वो बहुत छोटा था। एंड कुड नॉट बी कैरीड बैक बाई फोर पीपल, और वह चार लोगों के साथ, मतलब चार लोगों से द्वारा नहीं ले जाया सकता था। सो रामा वांटेड ए बिगर नीडल, इसलिए रामा सोच रहा था कि नीडल जो होगा बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि रानी ने मेरे साथ चार और नौकरों को भेजा है, ये नीडल मतलब बहुत बड़ा हो सकता है। द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू गो टू द नेक्स्ट शॉप विच सोल्ड बुक्स। द शॉपकीपर, जो दुकानदार था, उसे रामा को बताया मतलब अगली दुकान पे जाने के लिए जहाँ पर किताबें बिकती थी। दे यूज लार्ज नीडल्स टू स्टिच द पेजेज ऑफ बुक्स, यू कैन बाई वन ऑफ दोज फॉर हर मैजिस्टी। दे यूज मतलब जो बुक की दुकान होती है उसको, बुक को, पेज को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए बड़ी सुई का यूज करते हैं, इसलिए यू कैन बाई वन ऑफ दोज, इसलिए तुम या आप लोग उसमें से एक बड़ी सुई ले सकते हैं फॉर हर मैजिस्टी, आप अपनी महारानी के लिए। दिस शॉप हैड ए बिगर नीडल बट इट वॉज स्टिल टू स्मॉल फॉर फोर पीपल टू कैरी। दिस शॉप, इस दुकान पर भी उससे मतलब पहले वाले दुकान से बड़ी नीडल थी, लेकिन इट वॉज स्टिल टू स्मॉल, लेकिन यह भी पहले की अपेक्षा या चार लोगों को ले जाने की अपेक्षा बहुत छोटी थी। द शॉप ओनर टुक हिम टू द होल सेल मार्केट वेयर ए ह्यूज नीडल वॉज बींग यूज टू स्टिच गनी बैग्स सो दैट द ग्रेन्स इन द बैग्स वुड नॉट स्पिल। मतलब उसके बाद उस आदमी ने, बुक की दुकान वाले जो हो वो उसका शॉपकीपर था, उसने भी उसको बड़ी दुकान पे मतलब होल सेल मार्केट जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सामान को बेचा जाता है, बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ पे भेज दिया गया कि जहाँ पर बैग वैग बनाए जाते हैं, बैग में जो सुई यूज होती है उसको, मतलब पहले सबसे छोटी दुकान पे गया नॉर्मल वाली सुई, तो उसको कहा आपको और बड़ी चाहिए, तो बुक की दुकान पे भेज दिया। जब बुक की दुकान के बाद वहाँ पर भी वो सर्टिफाई नहीं हुए, को और बड़ी चाहिए थी, उन्होंने, उस दुकानदार ने उसको होल सेल मार्केट में भेज दिया गया। आई वॉन्ट ए नीडल बिगर दैन दिस, उसने भी एक नीडल दिखाया, सुई दिखाई, तो बोला मुझसे भी, आई वॉन्ट ए नीडल बिगर दैन दिस, मुझे इससे भी बड़ी सुई चाहिए। शॉपकीपर, बट वी डोंट हैव एनी नीडल बिगर दैन दिस, फिर उसने कहा मेरे पास इससे बड़ी कोई सुई नहीं है। बट रामा वांटेड स्टिल बिगर नीडल, लेकिन रामा अभी भी बड़ी सुई मतलब बड़ी नीडल चाहता था। ऑल ऑफ देम सेड दैट इट वॉज नॉट अवेलेबल, ऑल ऑफ देम जो उसके साथ मतलब जो दुकानदार थे सभी लोग, ये कहे ऐसा ये असंभव है, ऐसा उपलब्ध होना मुश्किल है, अनुपलब्ध रह गए। नाउ रामा वॉज इन ए फिक्स, नाउ मतलब अब रामा वॉज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स मतलब इन ए प्रॉब्लम, राना बहुत समस्या में था, वो बहुत परेशान था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट द क्वीन, वह रानी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, निराश नहीं करना चाहता था। एंड गो बैक एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कर्व ए ह्यूज नीडल आउट ऑफ हर ट्री, इसलिए उसने डिसाइड किया एक मतलब टू कर्व ए ह्यूज नीडल आउट ऑफ हर ट्री, एक पेड़ के बाहर की तरफ चारों तरफ एक बड़ी
निधिल को कर्व करने के लिए मतलब मोड़ने के लिए। कट दृष्टिज एक कट दृष्टिज और रामा ने अपने जो चार और साथी थे उनसे उस पेड़ को काटने के लिए बोला। रामा ड्रिल्ड ए होल थ्रू वन एंड ऑफ द ट्रंक गिविंग इट ए शार्प पॉइंटेड एज एंड लुक ऑफ ए नीडल। मतलब रामा ने उस पेड़ को उसमें पेड़ के बीच में ड्रिल मेड ए राउंड ओपनिंग मतलब पेड़ को काटा उसके तने को और उसमें राउंड ओपनिंग किया गोला कर दिया। गिविंग ए शार्प पॉइंटेड एज एंड लुक ए नीडल और पेड़ को एक मतलब एक तरफ नुकीला कर दिया और दूसरी तरफ उसको गोला कर दिया जिससे सुई इंजेक्ट वो बनती है नीडल जैसे होती है। दिस टेक दिस ट्री बैक टू द क्वींस पैलेस और अपने साथियों से बोला टेक दिस ट्री बैक टू क्वींस पैलेस इस पेड़ को रानी के महल को ले चलो। मीनवाइल द क्वीन सा रामा एंड फोर सर्वेंट्स रिटर्निंग विथ ए ह्यूज लॉग। अंत में द क्वीन सा रामा एंड फोर सर्वेंट्स रानी ने देखा कि रामा और उसके जो चार साथी थे एक बड़े विशाल काय लॉग को मतलब तने को लेकर आ रहे हैं। सी रश्ड टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन सी रश्ड वो मतलब भागी दौड़ी। फाइंड आउट द व्हाट वाज गोइंग ऑन मतलब ये क्या हो रहा है। द सर्वेंट्स कुड नो लॉन्गर कैरी इट्स वेट जो नौकर थे वो कुड नो लॉन्गर कैरी इट्स वेट इसके वजन को बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते थे। एंड ड्रॉप्ड इट और इसको ड्रॉप इट विथ ए बैंग राइट इन द फ्रंट ऑफ क्वीन मतलब बहुत जल्दबाजी में रानी के सामने गिरा दिए। द क्वीन नैरोली स्केप्ड बीइंग हर्ट बाई द हैवी लॉग रानी इस लकड़ी के पेड़ से बहुत ज़्यादा इस हैवी वेट से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई बहुत परेशान है उनके पास जो गिरा दिया। द क्वीन वाज फ्यूरियस द क्वीन वाज फ्यूरियस रानी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो गई। सी डिसमिस्ड रामा इमीडिएटली फ्रॉम हर पैलेस वह रामा को अपने सर्वेंट रामा को अपने महल से तत्काल तुरंत बाहर निकाल दिया। एंड डिसाइडेड नेवर टू टेक ए स्ट्रेंजर इन हर सर्विस एवर अगेन और दोबारा किसी अजनबी व्यक्ति को अपने महल में किसी नौकर के रूप में रखना के लिए वो निशायद की हम भविष्य में फ्यूचर में कभी अनुभवी मतलब अजनबी लोगों को नौकर नहीं रखेंगे। टुडे आई हैव कंप्लीटेड प्लीज सी वीडियो ट्वाइस थैंक यू।